राहुल गांधी की भारत यात्रा का आज 12वां दिन है और सुबह सुबह मैं आपको आगे लेकर के आया हूँ ताकि 12वें दिन कितनी भीड़ है ये मैं आपको दिखा सकूँ। तस्वीरें यहाँ से शुरू होती हैं और ये देखिए ये वही कैप्टन है जो कि पाल घर के हैं, कुछ वजन भी कम हो गया है 12 दिन में और पैर फिट अप, पैर छाले अब भर चुके हैं। तो देखिए बैंडबाजे जो है, बैंडबाजे को देखिए आप, बोलिए, छाले अब एकदम भर चुके हैं और वजन आप जैसे बोले सही में थोड़ा कम हो गया, चले जा रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही जोश बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीर आप देखिए, तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे को दिखाइए ऊपर करके, तिरंगा झंडा जो है ऊपर करके दिखाइए, तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे को लेकर के लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, राहुल गांधी को मैं आपको दिखाऊंगा और देखिए किस तरह से लाइन बना करके कतार में लोग चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए 12वें दिन की यात्रा की सुबह सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तिरंगा झंडा, सेवादल ने तिरंगे झंडे को सबसे आगे, देखिए आप तिरंगा झंडा दिखाइए ऊपर करके, तिरंगा झंडा लेकर के सेवादल सबसे आगे जो है, सेवादल के कार्यकर्ता रहते हैं जो कि भारत यात्री भी हैं और कुछ इसमें अतिथि यात्री भी हैं और इसके पीछे जो है वो राहुल गांधी का काफिला आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप जो है वो सही सही तस्वीर आप देख सकें, ये नहीं कि कहीं क्राउड में हमने आपको केवल जो है वो छोटा सा दूरी में कैमरे के एंगल से एक तस्वीर आपको दिखा दी, वैसा नहीं बल्कि रो फुटेज में आपको दिखा रहा हूं जो है वो आपके सामने है और वो भी बगैर एडिट किए हुए जो है वो आपके सामने। देखिए आप ये जो है वो यहाँ से राहुल गांधी, ये देखिए स्थानीय लोग जो है वो सुबह से, स्थानीय लोगों को दिखाइए आप। तो सुबह कितने बजे से खड़े हैं आप लोग? मैं 6 बजे से। 6 बजे से यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, खड़े। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से, ऐसा नहीं कि कोई कार्यकर्ताओं की भीड़ ला करके खड़े कर दी, जो लोग हैं वो, क्योंकि मार्केट एरिया है, ये मार्केट एरिया है और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा उसमें है। और आप ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ राहुल गांधी के भारत यात्रा का 12वें दिन की तस्वीरें आप ये देखिए। यहाँ से राहुल गांधी के इस भारत यात्रा का जो काफिला है उसकी शुरुआत होती है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और आप देखिए एक चीज़ और, आप देखिए यहाँ पर जो दूसरी पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ, लाल रंग के झंडे आप देख रहे हैं, RSP उसकी तरफ से सपोर्ट दिया गया है कि हम इस भारत यात्रा का समर्थन करते हैं। तो ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें आप देखिए, यहाँ से राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी है उसकी शुरुआत होती है। और राहुल गांधी को आप देखिए रोजाना की तरह से उसी सफ़ेद रंग की टी शर्ट में राहुल गांधी जो है वो आगे चल रहे हैं और स्थानीय जो नेता हैं वो राहुल गांधी से यहाँ पर बातचीत करते हुए। तो इसी तरह से लगातार रोजाना 12 दिन से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, उनसे मुलाकात करते हुए, उनसे देखते हुए, राहुल गांधी उनसे मिलते हुए चलते रहते हैं। तो राहुल गांधी की तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा था, अब मैं आपको पीछे का काफिला मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप थोड़ा राहुल गांधी को और देखिए, तो राहुल गांधी इस तरह से लोगों से मिलते हुए, लोगों का हालचाल जानते हुए, हाथ हिलाते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और दो सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं वो राहुल गांधी के साथ में रहती हैं। और बाकी पीछे का आप देखिए, पीछे उसके बाद में कितने लोग राहुल गांधी के साथ में चलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पीछे कितने लोगों का हुजूम है और ये 12 दिन की आज यात्रा जो है वो हो रही है। और 12वें दिन राहुल गांधी के आगे कितने लोग थे और राहुल गांधी के पीछे कितने लोग हैं इस बात को आप देखिए। और पीछे तक जो है ये हुजूम है वो लगातार जो है वो आगे है। और देखिए स्थानीय जो कार्यकर्ता है, स्थानीय जो लोग हैं वो भी इस यात्रा में आपको बराबर देखने को मिलेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि इस यात्रा में जितने लोग यहाँ पर दिख रहेंगे उतने ही लोग दिखेंगे। अभी कन्हैया कुमार, राहुल राव और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो आगे निकल गए। तो इस यात्रा में क्योंकि राहुल गांधी के साथ में चलना जो है वो एक मुश्किल काम है, सिक्योरिटी को लेकर के इशू रहता है, सिक्योरिटी वाले अभी आपने देखा ज़्यादा लंबा समय तक जो है वो राहुल गांधी के साथ साथ नहीं चलने देते हैं, सिक्योरिटी को लेकर के इशू रहता है। तो कुछ लोग जो है वो बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ लोग ये है कि थोड़ा नाश्ता किया या कुछ काम, थोड़ा रेस्ट किया, वो पीछे चलते रहते हैं। तो इस तरह से लगातार जो है वो ये यात्रा आगे बढ़ रही है और 12वें दिन ज़रा तस्वीरें सामने आप दिखाइए ताली बजाते हुए किस तरह से जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस के वो आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लगातार 12वें दिन की कवरेज, सुबह सुबह का समय और लोग किस तरह से आ रहे हैं। केरला में भी बुलडोजर आप देखिए, साइड में बुलडोजर है,
तो बुलडोजर की प्रवृत्ति, बुलडोजर की राजनीति, ये तमाम सारे मुद्दे राहुल गांधी के सामने हैं। उनको इन सब मुद्दों को लेकर के काउंटर करना होगा, लोगों के मन में एक विश्वास दिखाना होगा कि हाँ वो जो है वो इस तमाम तरह की राजनीति को काउंटर कर सकते हैं, एक विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। ये लोगों के मन में विश्वास पैदा करना होगा और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं आप तस्वीरें आप आगे देखिए, इसीलिए जो है राहुल गांधी ने ये सड़क का रास्ता जो है वो चुना है। तो तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, 12वें दिन की तस्वीरें। अजय कुमार लल्लू देखिए आप, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के साथ में जो है वो आगे बहुत सारे लोग चलते रहते हैं, पीछे बहुत सारे लोग चलते रहते हैं, और क्या उसमें छोटा नेता क्या बड़ा नेता, सब लोग जो हैं वो आगे पीछे। तो 12वें दिन की यात्रा हम आगे से काफ़ी आगे से यहाँ इस वीडियो की शुरुआत की थी ताकि एक रो फुटेज लोगों को दिखा सके कि क्या कुछ जो है वो माहौल है 12वें दिन। देखिए उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है, और जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी पग पग धीरे धीरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों का जनसैलाब, उत्साह, प्रेम, हुजूम देखने को मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये निश्चित रूप से जो उनका संदेश है भारत को जोड़ने की, अखंड भारत के निर्माण करने की, जो उनकी सोच है कि नौजवान जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता परेशान है, भुखमरी बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, हिंसा इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, निश्चित तौर से खड़े हैं एक नए भारत के निर्माण के लिए, मील का पत्थर साबित होगा। अजय जी, राहुल जी पे लगातार अटैक हुए, पहनावे को लेकर के, कभी टी शर्ट को लेकर के, कभी पादरी को लेकर के, इस तरह के अटैक हुए। वो कुछ 2-3 रोज के लिए शांत रहे, अब कल एक और नई चीज़ निकाली गई प्रियंका गांधी जी की लड़की को लेकर के और राहुल गांधी जी को लेकर के, बहुत गंदा घिनौना एक ट्वीट जो है वो किया गया। देखिए ये नीच सोच के लोग हैं, जिनकी मानसिकता ही देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, वो इस तरह के तुच्छ बातों को कर क्या संदेश देना चाहते हैं। हम तो नफरत समाप्त करने के लिए निकले हैं, हम तो हिंसा की समाप्ति के लिए निकले हैं, हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, हम भारत के बेरोजगार नौजवानों की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम सबको समान अधिकार मिले, सामाजिक न्याय मिले, सबका बराबर का हक हो, इसकी बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह देश में दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी संपत्ति, उनके तमाम चीज़ों को यह सरकार धीरे धीरे कब्जा करती जा रही है, जहां सामाजिक न्याय की अवधारणा समाप्त हो रही है, निश्चित तौर से यह लड़ाई हमारी उसकी लड़ाई है, और आदरणीय राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और जो लोग ओछी मानसिकता के हैं वो इसी तरह का कृत्य करेंगे, जिसे देश देख रहा है वो माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस यात्रा के जरिए चल भी रहे हैं, संदेश लोगों को यहाँ पर स्थानीय भी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो सोशल मीडिया पर जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है उसको भी काउंटर कर रहे हैं। तो तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, जरा दिखाइए आप, देखिए जहाँ तक भी जो भी जो है लोकल बस्ती आती है, जहाँ पर भी रिहायशी इलाका आता है, देखिए आप थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, लोग जो है वो बाहर निकल करके आते हैं और हर किसी के हाथ में कैमरा होता है, अपना मोबाइल होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये एक जो है लोगों का एक ये उत्साह है कि तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी फला दिन हमारे यहाँ से निकले थे, इसको जो है अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये इतिहास है और ये लम्हा है जिसको हर कोई कैद कर लेना चाहता है कि ये वो इंसान है जो भारत को जोड़ने निकला है। कभी शंकराचार्य निकले थे ऐसे, और आज राहुल गांधी जी निकले हैं भारत को एक करने, भारत के लोगों की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो उस लम्हा को लोग हर वक्त कैद करना चाहते हैं। थोड़ा ऊपर करके आप दिखाइए, आगे तक की तस्वीरें दिखाइए, जहाँ तक आपकी नजरें जा रही, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आगे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो फिर रुक जाते हैं, फिर उसके बाद में चलने लगते हैं। आगे जहाँ तक तस्वीरें आपके नजरें जा रही है, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ करीब 300 से 400 मीटर तक लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं, करीब 300 से 400 मीटर तक लोग जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बोलिए। ये सिर्फ हमारी नजरों तक दिख रहा है, बाकी सैलाब बहुत आगे तक है। और लोग देखिए, छोटे बच्चे जो है वो, कल एक छोटी बच्ची को लेकर के, क्या क्या नाम है आपका, नाम क्या है? आशिया। तो देखिए तस्वीर आप दिखाई है, कल जो है वो एक छोटी बच्ची को लेकर के लगातार जो है वो कहा गया कि राहुल गांधी जो है वो बच्चों को अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं राहुल गांधी काफ़ी आगे गए हैं,
लेकिन कैसे एक छोटा बच्चा जो है वो अभी भी मोबाइल लेकर के अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें कर रहा था। तो ये तस्वीरें जो है यहाँ पर भी देखिए, आप इन बच्चों को क्या कहेंगे आप, क्या ये बच्चे भी जो है वो राजनीतिक रूप से लाए गए हैं? तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बयां कर रही हैं चीज़ों को कि कैसे जो है वो चीज़ें हो रही हैं। और देखिए, मैं कह रहा था आपको कि जहाँ पर भी आबादी है वहीं पर लोग निकल करके सामने आते हैं। तस्वीरें जो सामने की आप दिखाइए, तो राहुल गांधी की इस यात्रा को लगातार जहाँ से ये यात्रा निकल रही है लोग देख रहे हैं। और चूंकि देखिए राहुल गांधी आगे निकल गए हैं, जब कोई नेता आगे निकल जाता है तो उसके बाद में जो स्थानीय लोग होते हैं वो टकटकी लगा करके जो बाकी की जो बची हुई जो भीड़ होती है उसको देखने का काम जो है वो जो स्थानीय नेता है वो करते रहते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो है वो राहुल गांधी को, इधर दिखाइए, इधर भी लोग जो है वो छोटे बच्चों को लेकर के गोदी में वो राहुल गांधी की इस यात्रा को देख रहे हैं। तो लगातार ये यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं और मकसद यही है कि जिस तरह से ये यात्रा चल रही है उसको दिखाया जाए कि कैसे जो है वो चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से जो है वो लगातार बारहवें दिन भी लोगों का हुजूम है। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग उस पर जो है कितना विश्वास कर रहे हैं, बच्चों के राजनीतिकरण की बात जो लगातार भाजपा की तरफ से कही जा रही है, भीड़ की बात जो लगातार कही जा रही है कि भीड़ नहीं है, तमाम सारी चीज़ें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी अनएडिटेड पूरी रो फुटेज आपको दिखा रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर